हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आसान ब्यूटी हैक्स बताऊंगी जिससे आपका सारे स्किन केयर का प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकती हो, क्योंकि मैं आपको 5 बेहतरीन स्किन केयर ब्यूटी हैक्स बताऊंगी जिससे आपके अनइवन स्किन को, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट, चाहे कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, कोई भी स्किन टाइप हो, ये ब्यूटी हैक्स आप इस्तेमाल करोगे ना, आपके घर पे बैठे बैठे अपना स्किन को फेयर, स्पॉटलेस और एंगर बना सकती हो। और ये टिप्स का खास बात ये है, ये मेन एंड वुमेन, टीनेजर्स, बच्चे, बड़े कोई भी इस्तेमाल कर सकती हो। और मैं जितने भी टिप्स यहाँ पे शेयर करूँगी ये सब नेचुरल है और इफ़ेक्टिव भी है। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखते हैं। और वीडियो को देखने के पहले आप लोगों की भी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो हो स्किन केयर या हेयर केयर, मेकअप रिलेटेड या प्रोडक्ट के बारे में, चाहे आपका रिक्वेस्टेड वीडियो कोई भी हो, वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट पढ़ के रिक्वेस्टेड वीडियो को मैं 2 से 3 दिन के अंदर बना देती हूँ और उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का नाम भी मेंशन करती हूँ। इसके लिए हमेशा मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। पहला ब्यूटी हैक, अगर आपके स्किन के ऊपर टैनिंग है, डस्ट है, तो उसको निकालना है तो मैं एक सिंपल सा टिप बताऊँगी, क्योंकि इससे अपना स्किन के ऊपर टैनिंग दूर हो जाएगा और स्किन भी सॉफ्ट रहेगा। इस गर्मी का मौसम में स्किन के ऊपर टैनिंग हो जाती है, डस्ट पड़ जाती है, तो उसके लिए आप इस होम रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इसके लिए आपको चाहिए नेचुरल एलोवेरा जेल, प्योर एलोवेरा जेल चाहिए। मैं एलोवेरा लीव से एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट कर चुकी हूँ। नेचुरल एलोवेरा यूज़ करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अब इसको जहाँ जहाँ आपका टैन है, इस नेचुरल एलोवेरा जेल से आप उस एरिया पे अप्लाई कीजिए। अच्छे सा आपका स्किन के ऊपर जहाँ जहाँ टैनिंग हो रही है उस एरिया पे नेचुरल एलोवेरा को अप्लाई कीजिए। इसके आपका स्किन के ऊपर टैनिंग जो है अच्छी तरह रिमूव होगा और अपना स्किन भी क्लियर और स्पॉटलेस रहेगा। इस टिप को मेल फीमेल कोई भी ट्राई कर सकती है, क्योंकि गर्मी का मौसम में स्किन के ऊपर टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा काम करती है, इसके लिए ये टिप बहुत अच्छा काम करता है। अभी अच्छे से लगाने के बाद आप इसको एक आधे घंटे तक छोड़ के इसके बाद नॉर्मल पानी से आपका स्किन को वॉश कीजिए। अगर आपके स्किन के ऊपर ज़्यादा टैन है उस टाइम पे गर्म पानी इस्तेमाल करने से ना स्किन और ज़्यादा डार्क होने लगती है और स्किन भी हनीवन हो जाती है, तो इसलिए आपका टैनिंग के एरिया पे गर्म पानी इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। और सेकंड ब्यूटी हैक, अगर आपके स्कैल्प ऑयली है और डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा जड़ रहा है और आपको बालों का ग्रोथ आपको चाहिए, तो ये वाला ब्यूटी हैक आप ट्राई कीजिए। चारकोल, एक्टिवेटर चारकोल अपना बालों को काला कर देती है और इसके साथ ही साथ बालों के अंदर ज़्यादा डस्ट को रिमूव कर देती है और डैंड्रफ को हटा के, जड़ से हटा के बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना देती है, तो इसके लिए आप इस चारकोल हेयर मास्क को ट्राई कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए शैम्पू और एक्टिवेटेड चारकोल। अब एक क्लीन बाउल में 3 चम्मच शैम्पू ऐड करना है और 1 चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करके ये दो चीज़ को अच्छे से मिला लेना चाहिए और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिला लेना चाहिए। अब ये दो चीज़ को अच्छे से मिला लें। अभी बन गया है हेयर पैक। इस हेयर पैक को अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कीजिए, जैसे आप रेगुलर बेस में शैम्पू करती हो उस तरह इसको यूज़ करके शैम्पू कीजिए। बस अब दोबारा शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरी नहीं है, इससे बाल जड़ना टूटना कम होगा और आपका ऑयली स्कैल्प के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। इस ट्रीटमेंट को वीक में एक बार जरूर कीजिए, इससे बाल हेल्दी ग्रो होने लगेंगे और स्ट्रांग भी बन जाएगा। अगर आपके सफ़ेद बालों का प्रॉब्लम है इससे बाल भी काला हो जाएंगे। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप इसी एक्टिवेटर चारकोल को आपका फेस के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1/2 चम्मच फेस वॉश ऐड कीजिए और 1/2 चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करके ये दो चीज़ को अच्छे से मिला लीजिए। अब बन गए हैं फेस वॉश। अब इसको आप रेगुलरली फेस वॉश है जैसा फेस को वॉश करते हो उस तरह इसको वॉश करना चाहिए। अभी इस फेस वॉश को जैसा आप रेगुलरली फेस को वॉश करते हो
इस तरह इसको फेस को हल्का सा गीला करके फेस के ऊपर अप्लाई करके 2 मिनट के लिए मसाज करना है, क्योंकि ऐसा मसाज करने से ये चेहरे के ऊपर बैक्टीरिया को डस्ट को निकाल देती है, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल आपने चेहरे के अंदर बैक्टीरिया को चेहरे के ऊपर बैक्टीरिया को रिमूव करके चेहरे को साफ रखती है और वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स को भी रिमूव कर देती है, वो भी तुरंत। इससे चेहरा भी स्पॉटलेस और एंगर दिखने लगती है, इससे ऑयल स्किन का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। इस तरह 2 मिनट के लिए अच्छे सा मसाज करने के बाद चेहरे को ठंडा पानी से धो के वॉश कीजिए। ऐसा आप डेली कर सकते हो, अगर आपको जब टाइम मिले तब इस तरह कीजिए, या कम से कम हफ्ते में 2 बार कीजिए। इससे चेहरा क्लीन और ग्लोइंग बन जाएगा। थर्ड ब्यूटी हैक, अगर आपके डार्क अंडर आर्म्स का प्रॉब्लम है, अंडर आर्म्स को लाइटन करना चाहती हो, तो आप ये वाला ब्यूटी टिप्स को यूज़ कर सकती है, क्योंकि डार्क अंडर आर्म्स लाइटन करने के लिए मार्केट में काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स है और क्रीम्स हैं, क्योंकि मार्केट वाला क्रीम्स जो है बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे ना अंडर आर्म्स और ज़्यादा डार्क होने लगती हैं। और अंडर आर्म्स के एयर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं और वीट या अंडर आर्म्स हेयर रिमूवल क्रीम, उससे ना डार्कनेस और ज़्यादा हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अंडर आर्म्स का हेयर को रिमूव करना है तो वैक्सिंग की मदद से आप रिमूव कीजिए, उससे ना टैनिंग भी रिमूव होगा, अंडर आर्म्स भी काले नहीं हो जाएंगे। और वही मार्केट वाला क्रीम इस्तेमाल करने से उससे ना अंडर आर्म्स के अंदर कालापन आ जाएगा और बहुत अजीब दिखने लगती है। तो इसके लिए डार्क अंडर आर्म्स के लिए इस टिप्स को फॉलो कीजिए और इस रेमेडी को भी ट्राई कीजिए। डार्क अंडर आर्म्स के लिए हमें लेना है ऑलिव ऑयल और एसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ पे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल चूज़ कर रही हूँ। आप कुछ भी ब्रांड के एसेंशियल ऑयल चूज़ कर सकते हो और कुछ भी फ्लेवर चूज़ कर सकते हो, लेकिन वो एसेंशियल ऑयल होना चाहिए। क्लीन बॉल में 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 से 3 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल ऐड कीजिए। ऐड करके ये दो चीज़ को अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी इस सॉल्यूशन को आप आपका डार्क अंडर आर्म्स के ऊपर अप्लाई कीजिए, जहाँ जहाँ आपके डार्क अंडर आर्म्स है उस जगह आप इसको अप्लाई करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा मसाज कीजिए। इसके बाद एक ड्राई टिश्यू से उसको उस एरिया पे वाइप आउट कीजिए। याद रखिए पानी से वॉश मत कीजिए। अप्लाई करके मसाज करने के बाद ड्राई टिश्यू से वाइप आउट कीजिए। इस तरह आप हर रोज़ करने से, नहाने के पहले हर रोज़ कीजिए, इससे डार्क अंडर आर्म्स लाइटन होंगे और डार्क स्किन भी लाइटन और स्मूथ हो जाएगा और अंडर आर्म्स के अंदर बदबू भी नहीं आएगा। अगर आप पार्टी फंक्शन जाना है तो हर कोई ब्यूटी पार्लर जाके फेशियल करवाते हैं, क्योंकि पार्टी फंक्शन बोलते ही याद आते हैं फेशियल। तो मार्केट वाला महंगा फेशियल से बिना आप घर पे 10 मिनट में आपका चेहरे को ग्लोइंग और स्पॉटलेस बना सकते हो। इसके लिए आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिए। इसके लिए एक क्लीन बाउल लीजिए। एक क्लीन बाउल में 2 चम्मच बेसन का आटा ऐड कीजिए और इसके बाद इसमें टोमेटो का प्यूरी ऐड करके फाइन पेस्ट जैसा मिक्स कीजिए। याद रखिए इसमें वाटर बिल्कुल ऐड मत कीजिए, आप टोमेटो प्यूरी ऐड करके इसको फाइन पेस्ट जैसा मिक्स करना चाहिए। आप देख सकते हो अभी ये तैयार हो गया है। अभी इस पैक को अप्लाई करना चाहिए। पैक को साफ चेहरे के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। चेहरे को साबुन या फेस वॉश से नीटली वॉश करने के बाद इस पैक को ऑल ओवर चेहरे के ऊपर अप्लाई कीजिए। आपका अंडर आई एरिया छोड़ के ऑल ओवर फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके 15 मिनट तक ये ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें है टोमेटो प्यूरी एंड बेसन का आटा। ये आप टोमेटो प्यूरी अपना चेहरे को साफ कर देता है और चेहरे को इंस्टेंटली ग्लोइंग और ब्राइटनिंग बना देता है। शादी पार्टी में जाना है तो ये पैक बहुत बेहतरीन है, इसे इंस्टेंटली ग्लो भी मिलेगा, साथ ही चेहरा के ऊपर छोटे मोटे स्पॉट्स है वो भी तुरंत निकल जाएंगे। और बेसन का आटा चेहरे को क्रिस्टल क्लियर बनाएगा और चेहरे के अंदर डस्ट को निकाल के चेहरे को क्लियर और ग्लोइंग बना देता है। 15 मिनट के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। सो इस तरह आप इस बेसन का आटा का पैक को घर पे करने से ना शादी पार्टी फंक्शन टाइम पे आपका चेहरा ग्लोइंग और ब्राइटनिंग दिखेगा। और समर का मौसम में शादी पार्टी फंक्शन ज़्यादा होता है, इस टाइम पे आप इस पैक को तुरंत बना के ट्राई कीजिए। और इसके बाद आप मेकअप भी अप्लाई करोगी ना, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, अगर चेहरे के ऊपर स्वेटिंग भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए।
फिफ्थ ब्यूटी हैक डार्क सर्कल्स, और सब हर किसी को एक कॉमन प्रॉब्लम है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स को कॉफी आइस को रिमूव करना है, कॉफी आइस क्यूब्स इस्तेमाल करना है, क्योंकि कॉफी आइस क्यूब्स ये अपना डार्कनेस को दूर कर देता है और अंडर आई पे कालेपन को भी हटा के आइस को रिफ्रेशिंग लुक देता है। तो उसके लिए आप ये वाला रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। इसके लिए एक क्लीन बाउल में आप 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लीजिए। मैं आपको गेस के लिए मैं एक छोटा सा ब्रू कॉफ़ी पाउडर ले चुकी हूँ। अभी 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर में वाटर ऐड करके मिक्स करना चाहिए। 2 चम्मच वाटर ऐड कीजिए। वाटर ऐड करके दो चीज़ को अच्छे से मिला लीजिए। वाटर ऐड करके मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिलाने के बाद इसको आइस ट्रे में डाल के आइस क्यूब बना लीजिए। आप देख सकती हो 6 घंटे के बाद आइस क्यूब तैयार हो गया है। अभी इस आइस क्यूब्स को आपका पफी आइस के ऊपर अप्लाई कीजिए, अंडर आइस के ऊपर अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में अप्लाई कीजिए, क्योंकि आइस थोड़ा कूल रहता है तो इसलिए आप थोड़ा हल्का सा अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके इसके बाद आपका उंगलियों की मदद से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह होगा और पफिनेस तुरंत दूर हो जाएगा और अपना आइस को रिफ्रेशिंग लुक देता है, टाइडली फील होती है। तब इस आइस क्यूब से मसाज करने से ये अपना आइस को रिफ्रेशिंग करता है और टाइडनेस को दूर करता है और पफिनेस का प्रॉब्लम को तुरंत और ये पफिनेस को तुरंत रिमूव कर देता है। 2 मिनट तक आइस क्यूब से अच्छे से मसाज करने के बाद आप चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश करके पोंछ लीजिए। आप चाहे तो इस आइस क्यूब्स को चेहरे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरी DIY ब्यूटी हैक्स। अगर आप लोगों को इस हैक्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को रिगार्डिंग कुछ डाउट्स कमेंट्स करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कीजिए, उसके आंसर मैं जरूर देती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ, और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।